आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंतिम विजय हमारी ही होगी, हमारे मरने से अगर भारत जी उठे तो हमें हंसते हंसते मर जाना चाहिए। भारत माँ के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूर्य पुत्र थे, जिनकी चिंगारी से हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की मशाल जला करती थी। दुश्मन भी थर्राया करते थे, उनके जय हिंद के नारे में वो शक्ति हुआ करती थी। आज़ाद हिंद फौज का वो प्रेरणा गीत कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हम आपको बता दें कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस महान विभूति के होलोग्राम स्टैचू के अनावरण के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वंदन के रूप में वही गीत बजाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि जब वो गीत बजे तो हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब हम विनम्र आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पराक्रमी भारत न पराजित हुआ है, न झुका है, न रुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के लिए मरने का अवसर चाहे न मिला हो, लेकिन हम देश के लिए जीकर तो दिखा सकते हैं। आज उन व्यक्तियों या संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा जो आपदाओं के कारण मानव पीड़ा को कम करने के लिए निस्वार्थ भाव से परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है 8वीं बटालियन NDRF पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तिवारी। 8वीं बटालियन NDRF ने 2009 से 2018 तक 310 से ज्यादा आपदा बचाव अभियान के जरिए 14,465 मानव जीवन की रक्षा की, 10 लाख लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा। 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है श्री KM सिंह, पूर्व DG CISF। आपने 3-tier डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के निर्माण की नींव रखी, आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में सिविल डिफेंस के एक्टिव पार्टिसिपेशन की परिकल्पना को भी आपने प्रतिपादित किया। 2020 के लिए ही डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री SA मुरुगेशन IAS। DMMC का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आपदा के बाद की प्रतिक्रिया तथा रिहैबिलिटेशन पर केंद्रित है। वैज्ञानिक तथा शैक्षिक संस्थाओं और राज्यों के विभागों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। 2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री राजेंद्र कुमार भंडारी को। आप डिजास्टर मिटिगेशन पर इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फोरम के अध्यक्ष हैं। आपने भारत में जियो हैजार्ड्स और भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी, भूस्खलन अध्ययन की पहली प्रयोगशाला भी स्थापित की।
2021 के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। सीड्स पिछले 28 सालों से आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों को रेजिलियंस निर्माण की दिशा में काम कर रही है। 2022 के लिए प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में DRR में आपके अग्रणी कार्य ने आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष के रूप में आपने सिक्किम को DRR लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। 2022 के लिए ही गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PK तनेजा DG। GIDM ने पेंडेमिक के दौरान मल्टी हजार्ड रिस्क मैनेजमेंट तथा रिडक्शन के लिए 12,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया। फायर से संबंधित पोर्टल, कोविड से संबंधित मोबाइल ऐप भी विकसित किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका।